हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हेल्पर। आज मैं जानकारी दूंगा एचवीएसी के लिए जो एयर हैंडलिंग यूनिट इंस्टॉल किया जाता है उसमें बीएमएस सिस्टम से बहुत सारा फील्ड में डिवाइस इंस्टॉल किया जाता है, सेंसर इंस्टॉल किया जाता है। उसके बाद आपका पैनल आपका रहता है डोल स्टेटर स्टार डेल्टा बाईपास बीएफडी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है। कहीं पर डोल रहेगा, कहीं पर स्टार डेल्टा, कहीं पर बीएफडी या बाईपास बीएफडी डोल, इस तरह का दिया हुआ रहता है। तो बीएमएस सिस्टम के लिए डीडीसी पैनल लगाया जाता है। डीडीसी से जो फील्ड में आपका डिवाइस इंस्टॉल किया जाता है, जितना भी आपका मैक्सिमम या मिनिमम, ये तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट से होता है। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग का पास डिवाइस है और क्या क्या उसमें केबल वगैरह क्या और कहाँ टर्मिनेशन करना पड़ता है, ये भी जानकारी देंगे और डीडीसी पैनल का बारे में भी थोड़ा सा जानकारी देंगे। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपका बिल्डिंग ऑटोमेशन हो गया, फायर अलार्म एक्सेस कंट्रोल डाटा, सीसी कैमरा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, लाइटिंग कंट्रोलिंग सिस्टम, ये बहुत सारा जानकारी आने वाला तो है। तो एचवीसी के लिए बहुत सारा यूनिट रहता है, फैन कोयल यूनिट, आपका सीलिंग सस्पेंशन यूनिट, उसके बाद एयर हैंडलिंग यूनिट, एचआरडब्ल्यू यूनिट, ये जितना भी आपका यूनिट है आपका डीडीसी पैनल से आपका फील्ड में यूनिट जो है आपका उसमें सेंसर वगैरह बहुत सारा इंस्टॉल करना पड़ता है। उस सेंसर का रीडिंग आप एक जगह में बैठ के वर्क स्टेशन जहाँ पर है आपका बीएमएस का, वहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, फिर कंट्रोल भी कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, स्टेटस जान सकते हैं, सब कुछ आपको एक ही जगह में बैठ के देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ये है बीएमएस वर्क स्टेशन और यहाँ पर दिया हुआ एचओ, चिलर्स, एफसीओ, बॉयलर्स, पंप्स, बीएफडी, सीसीटीवी, वाटर मीटर्स, एनर्जी मीटर्स, एलोवेटर्स, ईएमएस, एफएस। तो यहाँ पर देख लीजिए बाएं तरफ जो है एचवीएसी का पूरा दिया हुआ है। एचवीएसी के लिए जैसे कंट्रोलिंग किया जाता है, कंट्रोलिंग और ऑपरेशन, और दाहिने तरफ जो है आपका फायर अलार्म सिस्टम, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, एलोवेटर जो है, फिर आपका एनर्जी मीटर, वाटर मीटर, सीसीटीवी, ये सब का आप मैनेजमेंट ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी कि मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं ये सब का। तो ये सभी जानकारी इस चैनल पे आएगा, तो इसलिए बोलते हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपका यूनिट जो होता है एयर हैंडलिंग यूनिट, कोई भी आपका यूनिट हो, एचआरडब्ल्यू हो या सीएसओ, उसमें हम लोग का सेंसर क्या क्या इंस्टॉल किया जाता है, क्या क्या सेंसर रहता है, उसमें डीडीसी पैनल से किस तरह से वायरिंग किया रहता है और सेंसर का पूरा जानकारी देते हैं। ठीक है, चाहे आपका चिलर साइड हो या आपका यूनिट साइड, तो यूनिट साइड का मैं जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा चिलर के बारे में भी जानकारी दे दूंगा। उसमें चिलर जो आपका प्लांट रूम होता है वहाँ पर आपका रूम ह्यूमिडिटी आउटसाइड टेम्परेचर इंस्टॉल किया जाता है, तो उसका भी लास्ट में जानकारी दे देंगे। तो पहले शुरू करते हैं एचयू का। तो पहले ये डीडीसी पैनल में कैसे वायरिंग किया गया है थोड़ा देख लेते हैं। ये ड्रॉइंग है, जैसे ये एआई का हो गया, ये डीआई का, ये कम्युनिकेशन हो गया, ये एओ का, ये डीओ का, ये 24 वोल्ट पावर, ये हमारा ड्रॉइंग है। जैसे कि जैसे एक पॉइंट हो गया, पॉइंट के लिए दो केबल जा रहा है, एक दो दो जा रहा है, ये तीसरा है, ये कंट्रोलर का कनेक्शन है। तो एक टर्मिनल ब्लॉक जो है, जैसे आपका ये टर्मिनल ब्लॉक है, तो यहाँ का जो कॉमन ग्राउंड होता है वो यहाँ से इसको लूपिंग कर देता है। ए आई हो गया, ए ओ हो गया, डी आई हो गया, ये तीनों में निरंतर ऐसे ही लूप किया रहता है। ए आई, डी आई, ए ओ, ये तीनों में जो डी ओ होता है, जो कमांड का केबल होता है, ये सेपरेट रहता है। ये डी ओ का जो केबल है रिले द्वारा होता है कंट्रोल, रिले में कमांड दिया हुआ रहता है, 24 वोल्ट उसमें देने से आउटपुट उसका सप्लाई जाता है। तो इसका जो लूप, जो ग्राउंड है, वो इस तरह से सभी में ए आई, डी आई, ए ओ, ये तीनों में ऐसे ही वायरिंग किया हुआ रहता है। जैसे ए आई का 6 पॉइंट है, ए ओ का 3 पॉइंट है और डी आई का 4 पॉइंट और डी ओ का भी 4 पॉइंट। अब आते हैं इसमें ए आई में क्या क्या कनेक्शन होगा, ए ओ में क्या कनेक्शन होगा, डी आई में क्या क्या कनेक्शन होगा और डी ओ में क्या क्या कनेक्शन होगा, बात करते हैं। इसका वायरिंग सेन इसमें भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ से 3 केबल गया है, एक दो तीन, दो पॉइंट के लिए 3 केबल, एक दो तीन, सेम एक दो तीन, 4 5 6 इसी तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 5 6 7 9 10 11, इसका कॉमन इधर से लूप दिया हुआ है सभी में, इसमें भी लूप दिया हुआ है, ये कॉमन का लूप हो गया। अब फील्ड साइड का डिवाइस के बारे में बात करते हैं। जैसे ये हमारा रिटर्न टेम्परेचर है, इसको कनेक्शन करने से पहले इसमें कनेक्टर लगाना जरूरी है और इंसुलेशन टेप यूज़ नहीं करना है, कनेक्टर लगाना जरूरी है। रिटर्न टेम्परेचर ए आई में जाएगा, ठीक है, RAT रिटर्न एयर टेम्परेचर, 2 कोर का केबल डाल दिया, रेडर प्लग किए, ये कंट्रोलर का पॉइंट है, RAT दे दिया, उसके बाद सप्लाई में भी यही टेम्परेचर लगता है जो डक में ऑन करके लगाया जाता है। ए आई 2 ये हो गया, 2 हो गया, उसके बाद वाल्व एक्चुएटर जो है उसका फीडबैक ये 3 में देना है, ए आई 3 में, इसमें 2 कोर का केबल आ रहा है, फीडबैक देना है। अब वाल्व का थोड़ा दिखा लेते हैं, ये डंपोस का वाल्व एक्चुएटर है, इसमें 6 कोर का केबल देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया वाल्व जो यह देख रहा है, ये फीडबैक के लिए आ गया, तो इसमें 6 कोर का केबल देना है,
बल्ब एक्चुएटर, तो एआई का जो है वो फीडबैक के लिए आ गया। उसके बाद एओ का जो पॉइंट है टू कोर, उसमें कंट्रोल के लिए देना है। एओ का जो है वो कंट्रोल के लिए देना है, और 24 वोल्ट इसमें पावर चाहिए। जैसे हमारा एओ ये है बल्ब कंट्रोल, ये 0 to 10 volt, 0 से 10 volt आउटपुट देता है कंट्रोल। इसी में आपका एक्चुएटर जो है 100% शो करता है आपका मॉनिटर में। उसके बाद BFD का फीडबैक दिया जाता है AI4 में, ठीक है, और इसका कंट्रोल भी AO का 2 में दे देना है, 0 to 10 volt इसमें भी दिया जाता है। अब आता है एयर क्वालिटी, जो CO2 कहा जाता है जिसे, इसमें एक AI पॉइंट देना है, इसमें 4 कोर का केबल डालना है, AI पॉइंट एक देना है और 24 volt पावर। इसमें AI का 5 में दे दिया एयर क्वालिटी, इसमें 24 volt का पावर देना है। इसका पोर्ट लिखा हुआ है पावर कॉमन CO2, जो CO2 में AI का एक दे दिया, और इसका जो ग्राउंड है उसका कमन में लूप करके कनेक्शन कर देना है। उसके बाद स्टैटिक प्रेशर सेंसर, इसमें भी 4 कोर का केबल देना है और AI पॉइंट एक। ये AI का जो 6th पॉइंट खत्म हो जा रहा है, जो कंट्रोलर का जो 6th पॉइंट AI का दिया हुआ ये खत्म हो जा रहा है, इसमें भी 24 volt पावर देना है। इसमें पावर लिखा हुआ है कॉमन एक आउट, तो 24 volt पावर और कॉमन में दे दिया, आउट में AI का एक मेन पॉइंट दे दिया, और इसका ग्राउंड कॉमन में शॉर्ट करके कनेक्शन कर दिया। इसको डक्ट में लगाया जाता है, ये जैसे हाई का है, यहाँ पर लिखा हुआ रहता है हाई और लो, तो इसका हाई का जो नब है वो सप्लाई डक्ट में देना है, और लो का है जो लो का है वो रिटर्न डक में देना है। ये स्टैटिक प्रेशर सेंसर, ये RH सेंसर है जो रूम ह्यूमिडिटी सेंसर का बताता है। इसमें भी आपको 4 कोर डालना है, AI पॉइंट एक का 24 volt पावर। इसमें लिखा हुआ है पावर कॉमन आउटपुट, इसमें भी सेम वही प्रोसेस लगाना है। और जैसे 6 पॉइंट यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है, AI का जो 6 पॉइंट है वो ख़त्म हो गया, ये 6 पॉइंट ये कंट्रोलर का इसमें ख़त्म हो गया। अब आपको एक्स्ट्रा जो पॉइंट है उसमें आप दूसरा कंट्रोल बड़ा वाला DDC डबल कंट्रोलर का लगाना होगा, उसमें AI पॉइंट का 1 में देना होगा। तो मैं यहाँ पर 7 में लिख दिया हूँ, वहाँ पर AI1 में दे सकते हैं। प्रोग्राम का हिसाब से लगाया जाता है, इंस्टॉल या कनेक्शन किया जाता है। अब आता है डंपर, डंपर का भी 4 कोर आप डाल सकते हैं। इस ये डंपर 4 कोर के लिए है, इससे भी मतलब और भी डंपर रहता है उसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, कंट्रोल फीडबैक भी दिया जाता है, लेकिन इसमें 4 कोर में काम हो जाएगा। जैसे DI पॉइंट में देना है 2 कोर का और 24 volt AC, ये 2 कोर का 24 volt, इसमें कॉमन NONC सिस्टम ओपन क्लोज सिस्टम के लिए ये डंपर का DI में कनेक्शन होगा, DI1 में कनेक्शन कर देना है और 24 volt पावर। यह है DPS डिफरेंट प्रेशर स्विच, ये स्विच का काम करता है, ये फिल्टर का पास या फ्री फिल्टर फाइन फिल्टर अगर दोनों नहीं तो एक तो रहेगा, और एयर फ्लो स्टेटस के लिए भी यही काम करता है। कॉमन NCNO, कॉमन NO पे कनेक्शन करना है, और इसका DI में कनेक्शन होगा, DI2 में कनेक्शन होगा फिल्टर स्टेटस। ये आपको जो फिल्टर लगा हुआ रहता है AC में वहीं पर इंस्टॉल करना पड़ता है, ये पोटेंशियल 3 पॉइंट होता है, इसलिए DI में कनेक्शन होगा। जैसे अभी सकिंग करेंगे इसको तो थोड़ा साउंड आएगा, और ये फिल्टर के लिए हो गया, फिल्टर का पास जैसे एयर फ्लो रन स्टेटस चाहिए तो वहाँ पर बैक साइड में आपको ये लगाना पाए और फूकना होगा, एयर फ्लो के लिए फूकना होगा, मतलब एयर का प्रेशर जा रहा है और फिल्टर जो है आएगा उसमें सकिंग करेगा, इसलिए वहाँ पर फिल्टर का पास लगाया जाता है। अब आपको बाकी रह जाता है जैसे स्टेटर पैनल, BFD पैनल, अगर खाली स्टेटर पैनल है तो उसका आप ले सकते हैं ऑटो, ये DI पॉइंट सभी रहता है, पोटेंशियल फ्री बनाया जाता है स्टेटर पैनल पूरा, ऑटो मैनुअल स्टेटस, ऑन स्टेटस, ट्रिप स्टेटस, और 2 कोर का सेपरेट कमांड देना पड़ता है, जो DO में रिले में आपका कनेक्शन होता है, रिले द्वारा कंट्रोलर में कनेक्शन किया हुआ रहता है। और आपका यदि BFD है तो उसके लिए भी ऑटो मैनुअल, ऑन ऑफ, ट्रिप और फीडबैक का कंट्रोल तो बता दिया हूँ। तो इतना सारा एक AC कंट्रोल के लिए डिवाइस लगता है। अब इसमें से कोई कोई बहुत सारा क्लाइंट कम भी लेता है और इससे ज़्यादा भी लेता है। तो जैसे वॉल माउंट वाला जो आपका CO2 और RH सेंसर का जानकारी दिया हूँ, तो उसके बाद आता है ये जैसे आपका CO2 सेंसर जो है डक्ट वाला है, डक्टिंग में इसे इंस्टॉल किया जाता है, और RH सेंसर रूम ह्यूमिडिटी वाला भी सेंसर भी आपका डक्टिंग में इंस्टॉल किया जाता है, रिटर्न डक्ट हो गया, सप्लाई डक्ट हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका पावर वायरिंग कैसे किया जाएगा। ये जो आपका CO2 सेंसर है इसको डक्ट में हॉल करके यहाँ पर जो स्क्रू दिया हुआ है 4, उसे स्क्रू लगा के इंस्टॉल करना है। और यहाँ पर भी आपका वही टेम्परेचर सेंसर दिया हुआ है, ग्रेस्टोन का है, DPSB ग्रेस्टोन का है। डक्टिंग वाला जो CO2 है इसमें भी आपका 4 कोर का केबल जाएगा, पावर में आपका पॉजिटिव देना है 24 volt का, कॉमन में माइनस देना है 24 volt का, और उसके बाद जो है वोल्ट जो है उसमें पॉजिटिव देना है एनालॉग इनपुट का, और एनालॉग इनपुट का जो नेगेटिव है वो 24 volt का नेगेटिव में एक साथ में जॉइन करके कनेक्शन करना है, इस तरीके से कनेक्शन। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर देख लीजिए, बाएं तरफ जो वाल वाला है ये तो जानकारी दे दिया हो, और नीचे का जो डाउन साइड वाला जो है ये डक्ट टाइप है, डक्ट में आपका इंस्टॉल किया जाता है, और बाएं तरफ जो सफ़ेद वाला है ये वाल में इंस्टॉल किया जाता है। और एक आपका जैसे दाहिने तरफ वाला जो ऊपर का है ये आपका 6 कोर का केबल जाता है, इसमें 6 कोर का, बाकी जो बाएं तरफ वाला जो दोनों है इसमें 4 कोर का केबल जाता है। और 6 कोर का केबल इसलिए जाता है जो ये आपका रूम ह्यूमिडिटी टेम्परेचर सेंसर, ये जो चिलर प्लांट होता है वहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है, आउटसाइड रूम ह्यूमिडिटी टेम्परेचर ये सेंस करता है। तो वहाँ पर और बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए और भी इंफॉर्मेशन के लिए मेरा अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, ट्विटर लिंक दिया है,
जहाँ कहीं भी जुड़ेंगे आप वहाँ से सवाल कर सकते हैं और पूछताछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग डिवाइस रहता है, आपका वेंडर भी अलग रहता है, तो उसमें समझने में BMS ऑपरेटर को थोड़ा समस्या होता है। तो BMS ऑपरेटर या HVAC टेक्नीशियन या चिल्लर टेक्नीशियन वगैरह जो है, और वहाँ पर आपका BMS सिस्टम इंस्टॉल है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा समझने में मुश्किल होगा, लेकिन इस समस्या का समाधान मैं आपको दे सकता हूँ। आपको क्या करना है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप पूछताछ कर सकते हैं। आप फील्ड में क्या आपका यूनिट है, किस तरह का DDC पैनल है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग रहते हैं।